नजर डालते हैं अब तक की महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने कल सदन में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कल घटी घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर संसद की सुरक्षा में उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है। पटना में चल रहे दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्लेनरी सेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मीट के दौरान कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम मंदिर में सीता वाटिका और लवकुश वाटिका का निर्माण होगा। इस पर 72 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है। पर्यावरण सचिव वंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में पटना में वायु गुणवत्ता निगरानी समिति की 18वीं बैठक आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात सिवान के एक अग्निवीर जवान की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मृत्यु हो गई। पटना स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करके सुजीत मुखर्जी के काव्य संग्रह स्पंदन का हुआ लोकार्पण। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान कंटेनर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। दो व्यक्ति गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 46 पशुओं को बरामद करने के साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के तिलाठी चौक पर चौकीदार घनश्याम मालाकार के अपराधियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पटना जिले के मसौढ़ी में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ऊर्जा बचत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। गोपालगंज के साकिब हुसैन का नाम आईपीएल 2024 में प्लेयर ऑक्शन के लिए नीलामी सूची में आने के बाद मोहल्ले में खुशी का माहौल। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय बालक अंडर 17 क्रिकेट का खिताब सारण ने औरंगाबाद को 116 रनों से हराकर जीत लिया।